हिंदी के भगीरथ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद विषयक कार्यक्रम के इस पहले भाग में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कई स्थलों पर विशेषकर उनके आरंभिक जीवन की चर्चा के क्रम में कल्पना का सहारा भी लिया गया है। कार्यक्रम के इस भाग में मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व, तत्कालीन परिस्थितियों और उनके जीवन दर्शन की संक्षिप्त जानकारी दी गई है। खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इन अनमोल पंक्तियों को लिखने वाले महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का लेखन आम आदमी के जीवन और जमीन से जुड़ा हुआ है। अपने कथा साहित्य में उन्होंने भारतीय जनमानस और तत्कालीन परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में। बनारस से लगभग 8 किलोमीटर दूर ये है लम्ही गांव। और लम्ही गांव का ये मकान देख रहे हैं, 31 जुलाई 1880 को यही जन्म हुआ था एक बालक का। तब ये पुश्तैनी मकान कच्चा था। पिता मुंशी अजायबलाल श्रीवास्तव ने बालक का नाम रखा धनपत राय। प्रेमवश ताऊ ने भी नाम रख दिया नवाब राय। यही बालक बड़ा होकर बना कथा सम्राट प्रेमचंद, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। खेती के होते हुए भी गरीबी के कारण उनके पिता नौकरी करते थे। वे डाक मुंशी थे। 8 वर्ष की आयु में प्रेमचंद ने लालपुर गांव के मौलवी से उर्दू फारसी सीखनी शुरू की। इसी दौरान उनकी माता आनंदी देवी का देहांत हो गया। माँ का विछोह प्रेमचंद को बहुत उदास कर देता था। 2 वर्ष बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। उन्ही दिनों उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया। गोरखपुर के मिशन स्कूल से प्रेमचंद ने 8वीं की परीक्षा पास की। विमाता से जन्मे उनके छोटे भाई, जिनका नाम महताब राय था, उनका वे बहुत ध्यान रखते थे। एक ओर अभाव, दूसरी ओर विमाता का निष्ठुर व्यवहार। प्रेमचंद घर से बाहर साथियों के साथ मिलकर खेलकूद करने, चर्चा करने और हंसने हंसाने में ही समय बिताते। मुफलसी और घरेलू तनाव से निपटने के लिए उर्दू की किताबें पढ़ने, किस्से कहानियां लिखने का यह तरीका उन्होंने बचपन से ही अपना लिया था। पिता का तबादला जमनिया में हो जाने के कारण
नौवीं कक्षा प्रेमचंद ने काशी के क्वींस कॉलेज से पास की। इसी दौरान पिता ने उनकी शादी कर दी। प्रेमचंद के पिता का तबादला लखनऊ हो गया था। कुछ ही समय बाद पिता की मृत्यु हो जाने के कारण प्रेमचंद की पढ़ाई में बाधा आ गई। सन 1899 ईस्वी में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। ट्यूशन पढ़ाते और छोटी मोटी नौकरी करते हुए इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रेमचंद को 20 रुपये मासिक वेतन पर बहराइच के एक विद्यालय में मास्टर की नौकरी मिल गई। यहाँ से उनका तबादला प्रतापगढ़ के जिला स्कूल में हो गया। प्रतापगढ़ के जिला स्कूल में वे प्रथम सहायक अध्यापक बन गए। यहाँ से 2 वर्ष की छुट्टी लेकर उन्होंने इलाहाबाद के ट्रेनिंग कॉलेज से अध्यापन कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया। यहीं से उनका विधिवत लेखन कार्य भी आरंभ हो गया। ये वो समय था जब देश में अंग्रेजी शासन का शोषण और दमन अपने चरम पर था। पराधीनता के विरुद्ध आवाजें उठनी शुरू हो चुकी थीं। लोग आजादी की राह तलाशने लगे थे। गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह से प्रेमचंद प्रभावित हुए थे। गांधी जी ने विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार तथा खादी का प्रचार किया था। वे आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण चाहते थे। वे औद्योगिक सभ्यता को शोषण का केंद्र मानते थे। प्रेमचंद की दृष्टि में स्वाधीनता का अर्थ था जनसाधारण को भोजन, मकान, कपड़े, मनोरंजन और व्यायाम आदि की सुविधाओं के साथ साथ न्याय सुलभ हो। रॉलट बिल, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश की मानसिकता को दासता से मुक्ति संघर्ष की ओर मोड़ दिया था। अंग्रेजों ने भारत की ग्राम्य संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। परंपरागत कपड़ा उद्योग तथा कृषि उपज की ओर ध्यान न देकर लगान को अनिवार्य कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विवश हो गए। नए नए कल कारखाने स्थापित हुए। ऐसे में भूमिहीन किसानों ने मजदूरी के लिए नगरों की ओर पलायन शुरू कर दिया। इस पलायन से जन्मे मजदूर वर्ग का मिल मालिकों के साथ संघर्ष होने लगा। मजदूरों की हड़ताल, किसानों के आंदोलन रफ्तार पकड़ने लगे। ब्रिटिश सरकार ने इस संघर्ष को दबाने के हर संभव प्रयत्न किए। किंतु उनकी गोलियां और लाठियां भी जनमानस को निरुत्साहित नहीं कर पाई। ऐसे में रूसी क्रांति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। तब महाजनी सभ्यता ने किसानों का चैन से जीना मुश्किल कर दिया था। किसानों को कभी भी बेदखल कर दिया जाता था। उनका जमकर शोषण किया जाता था। उस समय अकाल और प्लेग जैसी आपदाओं से देश जूझ रहा था। हिंदू धर्म एवं समाज में बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास आदि का बोलबाला था। साथ ही पशु बलि, दहेज प्रथा, बाल विवाह, अनमेल विवाह और अन्य कुरीतियां भी व्याप्त थीं। ऐसे में राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद के आर्य समाज की स्थापना से इनका विरोध किया गया तथा विधवा विवाह और पुरुष व नारी के समान अधिकारों का खुलकर समर्थन किया गया। इन सभी परिस्थितियों ने प्रेमचंद को प्रभावित किया। समय समय पर उनके लेखन में ये परिस्थितियां और आदर्श उजागर हुए हैं। सन 1903 में नवाब राय के नाम से बनारस के साप्ताहिक पत्र आवाज़े खल्क में उनका पहला उर्दू उपन्यास असरारे माबिद धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। अगले ही वर्ष उन्होंने गवर्नमेंट सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद से जूनियर इंग्लिश टीचर्स सर्टिफिकेट तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से
उर्दू और हिंदी की स्पेशल वर्नाकुलर परीक्षाएं उत्तीर्ण की। 2 वर्ष की छुट्टियां पूरी होने के बाद प्रतापगढ़ में आकर उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। पत्नी के साथ निबाह न होने के कारण प्रेमचंद ने दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। प्रतापगढ़ से इलाहाबाद में तबादला और वहां से कानपुर के सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के रूप में सन 1907 में प्रेमचंद की पदोन्नति हो गई। यहां उन्हें 40 रुपए मासिक वेतन मिलता था, जो उन दिनों पर्याप्त सम्मानजनक वेतन माना जाता था। प्रेमचंद का पहला उर्दू कहानी संकलन सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ। इसमें देश प्रेम पर आधारित कहानियां हैं। इसके लेखक के रूप में प्रेमचंद ने नवाब राय नाम प्रकाशित करवाया था। अंग्रेज सरकार का ध्यान सोजे वतन छपने के बाद इस ओर गया। एक रात ड्यूटी के बाद घर पहुंचने पर प्रेमचंद को जिलाधीश का परवाना मिला कि वे तत्काल जिलाधीश कार्यालय पहुंचे। रातों रात बैलगाड़ी में बैठकर 30-40 मील दूर जाकर वे जिलाधीश से मिले। जी, आपने बुलाया। ये किताब तुमने लिखी है? जी हाँ। क्या है इसमें? जी, कहानियां हैं। एक एक करके इन कहानियों का आशय बताएं। जी, यही मेरा वतन है नामक कहानी में देश की आजादी की खातिर अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान करने का संदेश है। एक कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। इसमें काले चोर का आंसू, सती दाह की राख, शहीद के खून की आखिरी बूंद में से इस बूंद को ही अनमोल रतन माना गया। मालूम है तुमने कितना बड़ा अपराध किया? जी अपराध? हाँ अपराध। जिस सरकार के मातहत तुम काम करते हो, उसी के खिलाफ आवाज उठाते हो और जनता को भड़काते हो। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी, तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। इसकी कितनी प्रतियां छपी हैं? जी 1300 प्रतियां बिक चुकी हैं। बची हुई सारी प्रतियां यहां जमा कराओ। और सुनो, भविष्य में कभी ऐसा लेखन मत करना, तुम जा सकते हो। जी। इस प्रकार सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। सोजे वतन को जब्त करने से ही बला नहीं टली, इसके लिए एक जांच समिति भी बना दी गई। पुलिस की राय थी कि ऐसे खतरनाक इंसान को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, पर डिप्टी इंस्पेक्टर ने मामले को जैसे तैसे रफा दफा करा दिया। उन्हें चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति के कभी कुछ ना लिखें। तब उर्दू की मासिक पत्रिका जमाना के संपादक मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें नवाब राय और धनपत राय की जगह प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी, ताकि अंग्रेज सरकार की नजरों से बचा जा सके। प्रेमचंद का पहला हिंदी कहानी संकलन सप्त सरोज था, जो 1917 में प्रकाशित हुआ। ये असहयोग आंदोलन का दौर था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1919 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी वर्ष डीएवी हाई स्कूल कानपुर में 125 रुपये महीने पर उन्होंने हेडमास्टर का कार्यभार संभाला। यहां वे पेचिश की बीमारी से ग्रस्त हो गए। घर और स्कूल की जिम्मेदारी निभाने, अपना लेखन कार्य करने तथा जन जागरण और देश सेवा का जज्बा उनमें बीमारी के दौरान भी बना रहा। कई महीने हो गए प्रेमचंद की बीमारी काबू में नहीं आ रही थी। एक रात शिवरानी देवी ने सपना देखा कि वे जुलाई में स्वस्थ हो जाएं।
आप सो गए क्या? क्या हुआ? मैंने सपना देखा है कि आप आने वाली जुलाई को हर हाल में अच्छे हो जाएंगे। रानी, क्या तुमको मेरी याद, मेरी बीमारी की याद सोने पर भी नहीं भूलते? इसे सच मानिए, ये बात झूठी नहीं। क्यों भला? इससे पहले भी मेरे 2-4 सपने सच निकले हैं। तुम इसी तरह के सपने देखती हो? इसे लिख लीजिए। कल लिखूंगा, देखूं सच निकलता है या नहीं। मुझे तो विश्वास है आपको भी विश्वास हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं। उन दिनों डीएवी स्कूल के प्रबंधक काशीनाथ उनकी गतिविधियों और लेखन से संतुष्ट नहीं थे। उनका व्यवहार प्रेमचंद के प्रति मानसिक रूप से पीड़ा देने वाला बनता चला गया। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? ये प्रबंधक भी ना मेरे पीछे पड़ा है। उसने फिर से परेशान किया क्या? उसे कितना सहूं? तो क्या आप उसे ऐसे ही सहते रहेंगे? क्या करूं? उसे इस्तीफा दीजिए और घर में बैठ जाइए। घर में तो बैठ जाएं, पर घर का खर्च कैसे चलेगा? उसके बारे में भी सोच लेंगे, लेख लिखकर और अनुवाद से कुछ तो सहारा मिलेगा। रानी, ये हिंदुस्तान है, कलम के बल पर यहाँ घर का खर्च चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या हुआ, हम किसी तरह गुजारा कर ही लेंगे। वो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, तो आप उसे कब तक सहते रहेंगे? तो तुम्हारी राय यही है कि मैं नौकरी छोड़ दूं? जरूर छोड़ दीजिए, हमें जरूरतों का गुलाम नहीं होना चाहिए। इस कारण प्रेमचंद ने 21 वर्ष पुरानी अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रेमचंद की 3 संतानें थीं, बेटी का नाम कमला देवी और बेटों का श्रीपत राय तथा अमृत राय था। सन 1923 में प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। प्रेस से कमाई नहीं के बराबर थी, इसलिए नवल किशोर प्रेस लखनऊ के प्रोप्राइटर और माधुरी के संपादक बाबू विष्णु नारायण भार्गव से आमंत्रण पाकर वे माधुरी पत्रिका के सह संपादक के रूप में कार्य करने लगे। यहां उनका वेतन 200 रुपये मासिक था। मद्रास में घुड़दौड़ में भाग लेने गए बाबू विष्णु नारायण भार्गव का देहांत हो जाने के बाद प्रेमचंद की यह नौकरी छूट गई। तब सरस्वती प्रेस को जमाने के उद्देश्य से उन्होंने 10 मार्च 1930 से हंस पत्रिका का संपादन शुरू किया। प्रेस एक्ट के कारण कुछ समय सरस्वती प्रेस और हंस पत्रिका पर प्रतिबंध भी लगा रहा, प्रेस चलती रही, परंतु घाटे की रफ्तार निरंतर बढ़ती रही। इसी वर्ष स्वराज्य आंदोलन में सक्रिय शिवरानी देवी की गिरफ्तारी हो गई। अंग्रेजी सरकार ने प्रेमचंद का एक और कहानी संकलन जब्त किया, जिसका शीर्षक था समर यात्रा। उन दिनों प्रोप्राइटर विनोद शंकर व्यास की पाक्षिक पत्रिका जागरण घाटे में चल रही थी। विनोद शंकर व्यास ने जागरण को संकट से उबारने का कार्य प्रेमचंद को सौंप दिया। 5 फरवरी 1934 को सेवा सदन पर फिल्म बनने का मुहूर्त मुंबई में हुआ। 3 महीने बाद साप्ताहिक पत्र जागरण को बंद करना पड़ा। आर्थिक तंगी से परेशान होकर प्रेमचंद ने 1934 में मुंबई जाकर फिल्म दुनिया में प्रवेश किया। अजंता सिनेटोन कंपनी में उन्होंने कहानी तथा संवाद लेखक के तौर पर कार्य आरंभ किया। इसके लिए उन्हें वार्षिक 8,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला। वहां पैसा तो था, किंतु साहित्य नहीं था। वहां मन न लगने के कारण प्रेमचंद अपने लेखन की दुनिया में पुनः वापस आ गए। अभावों की जिंदगी जीते हुए और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए प्रेमचंद ने अपना लेखन कार्य जारी रखा। इसी बीच वे जलोदर की बीमारी से पीड़ित रहे। उन्होंने 15 उपन्यास, लगभग 300 कहानियां, 5 नाटक, 2 निबंध पुस्तकें, 5 बाल साहित्य की पुस्तकें और जीवनियां आदि लिखी हैं।
हिंदी में कतिपय अनुवाद किए हैं और मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया है। प्रेमचंद को पुस्तकें पढ़ने का शौक था। ज्ञान विज्ञान के विविध विषयों की पुस्तकें अपने दोस्तों से उधार मांगकर पढ़ने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था। मुंशी दया नारायण निगम ने तो इस दिशा में उनकी भरपूर मदद की। नित नया जानने की जिज्ञासा उनमें बनी रहती थी। जिन दिनों उन्हें मुंबई से फिल्मी दुनिया में काम करने का बुलावा आ रहा था, उन दिनों उन्होंने अपने एक दो मित्रों से ऐसी पुस्तकें पढ़ने की जिज्ञासा प्रकट की थी जिनमें सिनेमा लेखन की जानकारी बताई गई हो। इससे पता चलता है कि प्रेमचंद किसी काम को करने से पहले उसके बारे में जान लेना, उसे समझ लेना चाहते थे। पुस्तकें पढ़ने का जुनून उनमें इस कदर छाया हुआ था कि जीवन के अंतिम दिनों में जब वे बहुत बीमार रहने लगे थे, तब वे पुस्तकें किसी से पढ़वाते और लेटे लेटे सुनते रहते। प्रेमचंद ने अंग्रेजी भाषा में अनुदित रूसी, फ्रेंच आदि विदेशी भाषाओं के साहित्य के साथ साथ उर्दू और हिंदी में उपलब्ध बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया था। इन्हीं दिनों लंदन में प्रवासी भारतीयों ने भारत में व्याप्त गरीबी और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, जिसका असर भारतीय साहित्यकारों पर भी पड़ा। इस गरीबी और शोषण के खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। अरे हम तो भाई लेखक हैं, हम कर ही क्या सकते हैं। लेखक हैं तो लिखो, लिखकर ही इन हालातों का विरोध करें। कुछ पता है, गरीबी और शोषण के खिलाफ हमारे कुछ प्रवासी भारतीयों ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ बना लिया है। है भैया, लंदन में? हाँ। और नहीं तो क्या। भला आपको ये खबर कहाँ से मिल गई बाकेलाल जी? अरे भाई, प्रेमचंद जी ने अपनी हंस पत्रिका में ये खबर छापी थी। हाँ, और इस खबर की उन्होंने न केवल प्रशंसा की थी बल्कि विश्वास भी जताया था कि अगर ये सभा अपने इस नए मार्ग पर जमी रहे तो साहित्य में नवयुग का उदय होगा। और हाँ, उसी की देखा देखी तो यहाँ भी प्रगतिशील लेखक संघ बन गया है। सुना है इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में होने वाला है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। और जानते हैं, ये अधिवेशन मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में ही संपन्न होगा। है भैया, मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में? और नहीं तो क्या। तब तो हम भी जाएंगे इस अधिवेशन में। कब होगा ये अधिवेशन? ये परसों 11 बजे रामलीला मैदान में होगा। प्रगतिशील लेखक संघ, ये नाम ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है। अगर ये उसका स्वभाव ना होता तो शायद वो साहित्यकार ही ना होता। उसे अपने अंदर भी एक कमी महसूस होती है और बाहर भी एक कमी महसूस होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए उसकी आत्मा बेचैन रहती है। अपनी कल्पना में व्यक्ति और समाज को सुख और स्वच्छंदता की जिस अवस्था में देखना चाहता है वो उसे दिखाई नहीं देती। इसीलिए वर्तमान मानसिक सामाजिक अवस्थाओं से उसका दिल कुड़ता रहता है। वो इन अप्रिय घटनाओं का अंत कर देना चाहता है जिससे ये दुनिया जीने और मरने के लिए इससे अच्छा स्थान हो जाए। भारत की हर एक भाषा में इस विचार के बीज प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से बो रखे हैं। जगह जगह उसके अखुए भी निकलने लगे हैं। उसको सींचना और उसके लक्ष्य को पुश करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा मुख्य कर्तव्य है अपने लेखन से जनता में चेतना, गति, क्रियाशीलता और एकता उत्पन्न करना। उन तमाम अवरोधों का और प्रवृत्तियों का विरोध करना जो जड़ता, प्रतिक्रिया और निरुत्साह उत्पन्न करती है। ये सब तभी संभव है जब हम चेतन रूप से देश के स्वाधीनता संघर्ष और देश की जनता की अपनी स्थिति को सुधारने के आंदोलन में भाग लें। इसके लिए मानव प्रेम, स्वतंत्रता की इच्छा और जनतंत्रवाद के आंदोलन का सक्रिय हिस्सा बने। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। और कला का उद्देश्य सौंदर्य और आनंद के साथ ही उपयोगिता से भी जुड़ा है। प्रेमचंद की दृष्टि में
प्रत्येक परिवार एवं व्यक्ति को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज एवं राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। अपने बारे में प्रेमचंद ने लिखा है, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं मगर टीलों पर्वतों घने जंगलों गहरी घाटियों और खंडहर का कोई स्थान नहीं। जो सज्जन पहाड़ियों की सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। हंस पत्रिका के जून जुलाई 1936 के अंक में सेठ गोविंद दास का एक नाटक छपा था, विचार स्वातंत्र्य। इसमें त्रिभुवन दास नामक पात्र को अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ दिखाया गया है जबकि उसके पिता अंग्रेजों की जी हुजूरी करते हैं। इस नाटक को सरकार विरोधी मानते हुए हंस प्रकाशन के प्रबंधन से 1,000 रुपये की जमानत राशि मांगी गई। प्रेमचंद ने 1,000 रुपये के पोस्टल कैश सर्टिफिकेट सरकारी खजाने में जमा किए, तब जाकर हंस पत्रिका के पुनर्प्रकाशन की अनुमति मिली। इधर सरस्वती प्रेस के कामगारों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला था, उन्होंने हड़ताल कर दी। दूसरी ओर प्रेमचंद का स्वास्थ्य निरंतर गिरता रहा किंतु उनकी गतिविधियां जारी रहीं। अंतिम दिनों में हालत इतनी बिगड़ी कि खून की उल्टियां होने लगी। आप चिंता क्यों करते हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। परेशान मत होइए रानी। प्रेमचंद हिंदी के बहुत बड़े कथाकार हैं, उनकी महत्ता दोहरी है। प्रेमचंद से पहले भी कहानियां लिखी गई थीं, उपन्यास लिखे गए थे, लेकिन सही मायने में यथार्थ को लेकर कथा साहित्य लिखने वाले प्रेमचंद ही हैं। उनकी महत्ता दोहरी इस मायने में है कि उन्होंने यथार्थवादी कथा साहित्य का सूत्रपात किया, दूसरी एक कहानी को और उपन्यास को शिखर तक पहुंचा दिया। वे प्रेमचंद जी कथाकार कथा के सम्राट कहलाए। प्रेमचंद के बाद बहुत से कथाकार आए, उनका महत्व रहा, उन्होंने अपने समय में कथा साहित्य को नई दीप्तियाँ दी, लेकिन प्रेमचंद आज तक प्रासंगिक बने हुए हैं। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद के देहावसान से साहित्य जगत स्तब्ध रह गया। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में और उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से उनकी जीवनी लिखकर उनके संघर्ष भरे जीवन को उजागर किया है। प्रेमचंद के बारे में जिन भारतीय विद्वानों ने शोध कार्य किए हैं उनमें डॉक्टर कमल किशोर गोयनका द्वारा किया गया प्रेमचंद के साहित्य का संकलन सर्वाधिक प्रामाणिक है। उनका प्रेमचंद विश्वकोश अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रेमचंद के रोम रोम में गांव का शांत जीवन बसता था। हिंदी के भगीरथ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद विषय कार्यक्रम के दूसरे भाग में महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कृतित्व और भारत एवं विदेश में उनके साहित्यिक महत्व को रेखांकित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।